दोस्तों, अपराध और अपराधियों की हर हरकत पर नजर रखना हमारा मकसद है। हम आपको रखना चाहते हैं बाखबर और गुनहगारों को करना चाहते हैं बेनकाब। तो अब डर तो लगेगा मगर गुनहगारों को। बिहार के मधुबनी में एक सनकी दामाद ने सास पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। चार लोगों की यह हत्या झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुकेत गांव में हुई है। दामाद ने जाता यानी आटा पीसने की चक्की से कूच कर चारों लोगों की हत्या की है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। बिहार में दिल दहलाने वाली घटना, सनकी दामाद ने की चार लोगों की हत्या। जाता से कूच कर सास पत्नी और दो बेटियों को मारा। हत्या के बाद भाग गया हत्यारा। बिहार के मधुबनी में एक सनकी दामाद पवन मोहते ने पत्नी, सास और दो बेटियों की हत्या कर दी। चार लोगों की हत्या की यह घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुकेत गांव की है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जहां दामाद ने अपनी सास पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। दामाद ने जाता यानी आटा पीसने वाले पत्थर से कूच कर चारों लोगों की हत्या की है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद तीन थानों के पुलिस के साथ डीएपी पवन कुमार घटना स्थल का कैंप कर रहे हैं। एफएसएल की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य इकट्ठे किए। सभी शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया गया है। इस दिल दहलाने वाली घटना की जानकारी शनिवार सुबह लोगों को मिली, जहां एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। हत्या आरोपी ने पूरे क्षेत्र में लोगों को हैरत में डाल दिया। घटना को हत्या आरोपी ने अपने ससुराल में अंजाम दिया। दरअसल आरोपी दामाद का ससुराल वालों से दहेज को लेकर मुकदमा चल रहा था। दामाद ने ससुराल में देर रात जाता आटा पीसने वाले पत्थर से कूच कर अपनी सास पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर दामाद फरार हो गया। हत्या आरोपी दामाद पवन महतो दरभंगा जिले का रहने वाला है। हत्या आरोपी के संबंध में बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी था। हमेशा अपने ससुराल वालों से पैसों की मांग करता था। कई बार उसको पैसा भी दिया गया। मरने वाले परिवार और हत्या आरोपी का पारिवारिक पेशा खजूर और ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारने का है। हत्या करने के बाद आरोपी ने हथियार के रूप में जाता का उपयोग किया, जिससे चारों का सर कुचल दिया गया। मरने वालों में 60 साल की प्रमला देवी, जो कि आरोपी की सास है, 25 साल की पत्नी हिरण देवी और पिंकी और दो बेटियां प्रिया कुमारी 4 साल और प्रीति कुमारी 6 साल शामिल है। घटना के वक्त घर में हत्या आरोपी के अलावा कुल 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि घटना की चश्मदीद सुहानी 8 साल और सचिन 4 साल जीवित बच गए। सुहानी और सचिन हत्या आरोपी पवन महतो के साले संतोष के बच्चे हैं, जो कि अपनी दादी के पास रह रहे थे। दोनों बच्चे घटना के दौरान डर कर पलंग के नीचे छिप गए थे। इन दोनों बच्चों ने पुलिस को हत्या आरोपी के संबंध में जानकारी दी। एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में तीन थानों की टीम इस घटना की जांच में लगी है। चार लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है। एक दो और व्यक्ति बात बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या, भोथरा हथियार जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात आ रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और जो संलिप्त है इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य कर रही है। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा विवाद हुआ था, केस वगैरह भी हुई थी, तो पूर्व में भी थोड़ा बहुत जो पारिवारिक झगड़ा होता है होता रहा था। और बताया जा रहा है कि लोग कुछ उससे जो अपना डिमांड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई हमारा करो, पीने खाने वाला लोग था, यही बता रहे हैं, जिस कारण से ही लोग जो है सिलखरे की तरह लोगों के दो अन्य लोगों के मदद से घटना कारित करने की बात आ रहा है। घर में चार लोग भी थे जीवित बचे हैं बच्चे। हाँ, एक बच्चे जो है बच्ची है वो देख रही है। दो छोटा जी, एक तो अबोध है और एक जो है दादी के साथ सोई हुई थी। इस तरह की जघन्य घटना है और हम लोग जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं निश्चित रूप से, और एफएसएल की टीम भी आ रही है।
बने रहिए बाखबर, गुनहगारों को बेनकाब करने की इस मुहिम में दीजिए हमारा साथ, और याद रखिए कि अब डर तो लगेगा मगर गुनहगारों को।